नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के आगामी 13वीं सीजन की समय पर शुरुआत मुश्किल में दिखाई दे रही है। इसके पीछे का कारण कोरोना वायरस है, जिससे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई बचना चाहती थी, और इसी वजह से बीसीसीआई ने आईपीएल को भारत में नहीं बल्कि यूएई में कराने का फैसला किया था। बीसीसीआई को यूएई में भी परेशानियों ने घेर रखा है। पहले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी और सहयोगी दल के सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। अब इंडियन प्रीमियर लीग के आधिकारिक प्रसारणकर्ता स्टार के प्रोडक्शन दल का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना संक्रमित पाए गए स्टार के सदस्य को सोमवार को भारत से यूएई रवाना होना था, लेकिन कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद लीग के आधिकारिक प्रसारणकर्ता को अपनी उड़ान स्थगित करनी पड़ी है। आईपीएल 13वें सीजन की शुरुआत 19 सितंबर से यूएई में होनी है, और उससे पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स के 2 खिलाड़ी सहित 13 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि उसके स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना टीम प्रबंधन के साथ कुछ असहमति के बाद वापस भारत लौट आए हैं। सूत्रों ने न्यूज एजेंसी आईएनएस को बताया कि आईपीएल प्रसारणकर्ता स्टार प्रोडक्शन टीम के पहले बैच को बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई से रविवार को यूएई रवाना होना था, लेकिन अब स्टार ने उनसे अगले आदेश तक इंतजार करने को कहा है। बता दें, स्टार की प्रोडक्शन टीम के सदस्यों को यूएई पहुंचने के बाद सीधे क्वारंटाइन में जाना था, लेकिन अब न केवल उनकी रवानगी को स्थगित कर दिया गया है, बल्कि यूएई पहुंचने के बाद उनकी क्वारंटाइन अवधि भी लंबी हो सकती है। आईपीएल को शुरू होने में अब 3 सप्ताह से भी कम का समय बचा है, लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक आईपीएल 2020 का शेड्यूल जारी नहीं किया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।